आम आदमी को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी मिली है। सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश भर के प्रमुख बाजार में बफर स्टॉक से 1.11 लाख टन प्याज जारी किया है। सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद से प्याज की कीमतों में 5 से 12 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट आई है। सरकार ने प्याज के बफर स्टॉक को दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, कोच्चि और रायपुर जैसे प्रमुख बाजारों में जारी किया है। साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के स्थानीय बाजारों में भी प्याज की सप्लाई की गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का कहना है कि बफर स्टॉक जारी करके प्याज की कीमतों को स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्याज की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम अब सामने आने लग गया है। मौजूदा समय में देश भर में प्याज का औसत खुदरा मूल्य 40.13 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि थोक बाजार में प्याज 31.15 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 नवंबर तक देश के प्रमुख बाजार में बफर स्टॉक से कुल 1,11,376.17 टन प्याज की सप्लाई की गई थी। सरकार के इस कदम के बाद देश की राजधानी में दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 44 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास हो गई है। बता दें कि 20 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में प्याज का खुदरा मूल्य 49 रुपए के आसपास रहा था। वहीं कोलकाता में प्याज का खुदरा मूल्य 17 अक्टूबर 2021 के 57 रुपए से घटकर अब 45 रुपए प्रति किलोग्राम ही रह गया है। वहीं चेन्नई में भाव 13 अक्टूबर के 42 रुपए किलो से घटकर 37 रुपए किलोग्राम आ गया है। सरकार के द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भंडारण स्थानों से उठान के लिए 21 रुपए प्रति किलो की दर से बफर प्याज की पेशकश की गई है। वहीं मदर डेयरी के सफल बिक्री केंद्र को 26 रुपए किलो की दर पर प्याज की पेशकश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।